वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑन प्रिपोजिशन शुरुआती इसी से करना चाहिए था दिस आर द बिगिनिंग ऑफ प्रिपोजिशन सिंपल प्रिपोजिशन इसका मतलब क्या है कब यूज़ करेंगे वो समझ लेते हैं क्विकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले देखते हैं ऐट कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं ऐट इज़ यूज बिफोर हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर एग्जाम्पल आई सो हिम एट सिक्स पी एम ऐट नून ऐट डाउन तो बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐट नाइट तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम जब भी मिलेगा इन समय से कोई भी टाइम से पहले हम ऐट लगाएंगे बट इन सिम्पल जनरल जनरल सेन्टेंसेज इस बात को याद रखना चाहिए सवाल में आता है नून क्यों एट एग्जैक्ट पॉइंट हो गया डाउन क्यों एक्जैक्ट पॉइंट हो गया नाइट क्यों एग्जैक्ट पॉइंट हो गया ये सवाल आ सकता है देखिए नाइट तो पूरे पूरी रात को हम नाइट कहेंगे लेकिन छः बजे सात बजे आठ बजे नौ बजे दस बजे जब आप किसी बड़े को मिलोगे या किसी दोस्त को मिलोगे अगर विश करोगे तो यू विल विश गुड इवनिंग नॉट डायरेक्ट किसी को मिलते ही गुड नाइट में विश मत करते हैं ना गुड नाइट यानी जब हम किसी से अलग हो रहे हैं बिछड़ रहे हैं तब बोलते हैं डायरेक्ट किसी भैया को देख के बोले गए गुड नाइट सर दैट मीन्स यू यू वॉन्ट टू यू डोंट वॉन्ट टू टॉक टू हिम दैट जस्ट यू वॉन्ट टू गेट डिपार्टेड विद सो अलग हो जाना चाहते हो तो ये ये गलत हो जाएगा तो विश करेंगे गुड इवनिंग तो नाइट है कब वो पर्टिकुलर एक्शन जब हम किसी से मिलते हैं या वो काम होता है तो हम बोल सकते हैं या वी हैड अ मीटिंग एट नाइट वी कैन से आई आई सो हिम एट नाइट वी हैड अ पार्टी एट नाइट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ दैन एक्शन वी कैन यूज दैट्स वाई एट लगता है डाउन भी सूर्य उदय एक फिक्स टाइम होता है आप और मैं उसको चाचा जी चेंज नहीं कर सकते नून यानी पूरा देखिए इसको बारह घड़ी अगर ये घड़ी है ये बारह है माइक्रो सेकंड पहले अगर हुआ तो मॉर्निंग बोलेंगे माइक्रो सेकंड बाद हुआ तो हम क्या बोलेंगे आफ्टर नून यानी बीचो बीच इज द नून एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नून मतलब बारह बजे छः बजे सात बजे आठ बजे छः पंद्रह नौ बजे नौ पंद्रह दस पंद्रह कुछ भी हो इज एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दैट्स वाई वी यूज एट तो हम एट और कहाँ यूज कर सकते हैं एट इज ऑल्सो यूज बिफोर ऑल्सो यूज बिफोर स्मॉल प्लेसेस टाउन विलेज स्मॉल नॉट टाउन स्मॉल प्लेसेस जैसे कि वलेजिस uh, uh, या फिर स्ट्रीट्स कॉलोनीज़ इस तरह के चीज़ों में गली गुली जो होता है मोहल्ला विलेज छोटा प्लेसेस में हम लगाएंगे एट जैसे कि आई लीव से एट से गंगापुर फॉर एग्जांपल गंगापुर एक छोटा सा गांव है तो गांव होगा स्मॉल प्लेसेस होगा स्ट्रीट होगी कॉलोनी होगी तो हम क्या लगाएंगे स्ट्रीट होगा कॉलोनी होगी तो हम लगाएंगे एट और एट कहाँ पर यूज करते हैं एट ऑल्सो इज यूज इज ऑल्सो यूज टू शो समथिंग सॉरी या टू शो समथिंग और सम वन किसी को और किसी चीज़ को अगर एक निर्दिष्ट स्थान पर समझाए समथिंग और सॉरी सम वन अगर किसी को और किसी चीज़ को एक निर्दिष्ट स्थान पर समझाए फॉर एग्जाम्पल ए बबुआ तुम्हारे uh, बाबा कहाँ पर है तुम बोलोगे माई फादर इज ऐट होम मेरे पिताजी घर में है इज़ एट होम और एट होम का हम बहुत सारे यूज भी कर सकते हैं एट होम इन मतलब बहुत अच्छा सपोज सचिन इज़ एट होम इन क्रिकेट सो इस प्रकार के हम यूज़ कर सकते हैं तो नॉर्मली एट होम मतलब किसी स्थान पर निर्दिष्ट अगर रेलवे ट्रेन आ गई ट्रेन आकर स्टेशन पे खड़ी है तो क्या बोलेंगे हम लोग द ट्रेन इज़ स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर टू निर्दिष्ट स्थान अगर उस ट्रैक को पकड़ेंगे तो हम लोग बोल भी सकते हैं ऑन प्लेटफॉर्म नंबर वन बिकॉज उसके ऊपर खड़ी है वो ट्रेन तो एट हो गया किसी निर्दिष्ट स्थान पर तो आगे बढ़ते हैं आ, इन को समझते हैं इन इज यूज बिफोर इज यूज बिफोर हम इसको ठीक एट का उल्टा कर देंगे इसको पीरियोडिकल टाइम फ्रेज कहेंगे पीरियोडिकल टाइम फ्रेज इसको समझते हैं ये भाई साहब का नाम मैंने ही दिया है तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाएगा पीरियोडिकल टाइम फ्रेज सेंटेंस देखिये आई से फॉर एग्जाम्पल मैट हिम इन द इवनिंग सो फॉर एग्जाम्पल आई मैट हिम इन द आफ्टरनून आई मैट हिम इन द मॉर्निंग सो आई मैट हिम इन से नाइनटीन आई मैट हिम इन जुलाई तो इस सब के सामने इन लगा क्यों बिकॉज ये सारा के सारा एक पीरियोडिकल टाइम फ्रेज है अर्थात ये समय तो है लेकिन एक पीरियड से बना हुआ है व्हाट इज़ पीरियड जो काम कुछ समय तक चले फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड जो हैं इवनिंग तो इवनिंग कहाँ अगर हमें घड़ी देखें तो सूर्यास्त के बाद रात तक देखिए काफ़ी लंबा समय आ गया अगर आफ्टरनून बोले ठीक बारह बजे के बाद सूर्यास्त तक, तक हम कहेंगे ये हो गया आफ्टरनून मॉर्निंग कहेंगे तो सूर्य उदय के बाद दोपहर तक बारह बजे तक तो काफ़ी लंबा समय है नाइन्टी नाइन ए पीरियड ऑफ थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव डेज़ और थ्री हंड्रेड या सिक्सटी फाइव डेज जुलाई इज़ अ पीरियड ऑफ कोई भी मंथ पीरियड ऑफ थर्टी और थर्टी वन डेज जुलाई थर्टी वन डेज़ है सो इन दिस वे अ ग्रुप ऑफ टाइम जो होता है एक पीरियड लेकर जो बना हुआ उसके पहले हम लोग इन लगाएंगे बट याद रखना सिंपल uh, उस सेंटेंसेस में सिंपल uh, सेंटेंसेस में क्योंकि जब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा ये सारा बदल जाएगा मैं आगे बताते हैं नौ आगे देखते हैं इन इज़ ऑल्सो यूज बिफोर द बिग प्लेसेस बड़े जगह सिटी गांव गांव तो नहीं शहर राज्य कंट्री कोई भी जगह होगा बड़ा होगा तो इन लगा दें फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन सिल्चर आई लिव इन पंजाब आई लिव इन जलंधर आई लिव ऑल द थिंग्स तो बड़े बड़े प्लेसेस में हम इन लगा देंगे कोई भी शहर हो जो भी हो और जो एरिया समझाता है फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर हो भाई साहब ना आई एम इन द मार्केट मार्केट एक एरिया है उसके अंदर में आता हूँ तो आ जाता है आई एम इन द मार्केट भी बोल सकते हो लेकिन उसी मार्केट में पर्टिकुलर किसी शोरूम में बैठे हो किसी दुकान में बैठे हो तो आई एम एट द पेंटलून्स आई एम एट द क्या कहते हैं यार जो भी रेस्टोरेंट का नाम पसंद है वो चिपका देना सो so, आगे बढ़ते हैं इन और कप कब, -कब यूज कर सकते हैं इन इज यूज टू शो समथिंग और सम वन इन साइड ऑलरेडी टू शो से समथिंग और सम वन से इन साइड अगर अंदर है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बोतल दिखा दूँ द वॉटर इज इन द बॉटल सिंपल से आई एम नाउ आई एम इन द रूम मैं कमरे के अंदर हूँ तो सिंपल एक अंदर जो समझाता है एरिया को समझाता है जैसे मैंने आई एम इन द मॉल ना हो आई एम इन द मार्केट ना हो उस प्रकार आई एम इन द ग्रुप ना हो उस ग्रुप के अंदर मैं आई एम इन द टीम ना हो मैं टीम में चला गया टीम के अंदर हूँ अभी तो इन दिस वे जैसे हमारा नटराजन नटू भाई जो कहते हैं ही इज़ इन द प्लेइंग एलेवन नाओ तो इन हो गया विद इन द एरिया विद इन द यू नो बाउंड्री के अंदर में आ गया तो इन लगा सकते हैं लेकिन जब मूवेबल एक्शन हो जाएगा तब तो हम लगा देंगे उसका इन टू सपोज आई एम इन द रूम लेकिन मैं अभी आ रहा हूं भाई साहब ये हो गया आदमी ये हो गया दरवाजा तो द मैन अभी आ रहा है चल के आ रहा है तो क्या हुआ ये चल के चल के आ रहा है तो जैसे आ रहा है वो मूवेबल एक्शन हो गया इसका तो तब इसको इन लगा देना सो आई एम कमिंग इन टू द रूम ये मूवेबल एक्शन हो गया लुक इन टू माई आईस लुक इन माई आईस नहीं होगा मेरे आंखों में देखो तो मेरे आंखों में झांकना जो है एक मूवेबल एक्शन हो गया तो हो गया लुक इन टू Uh, इसी प्रकार का इंटू तब होगा जब आई हैव डाइव्ड इन टू द रिवर मैं नदी पे मैंने छलांग मारा तो ये इमूवेबल एक्शन हो गया तो अब जाएगा इन टू नहीं तो ऑलरेडी अंदर है तो हम इनका यूज करेंगे सो लेट मूव ऑन लेट मूव ऑन नाउ थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मंथ uh, हो टाइम हो अलग अलग समय हो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम लोग एट लगाते हैं क्या लगाते हैं लेकिन जैसे हम कोई प्रॉमिस करते हैं व्हेन वी मेक अ प्रॉमिस फॉर एग्जांपल बाय इज़ यूज्ड बिफोर एनी टाइम फ्रेज कोई भी समय के पहले चाहे वो मॉर्निंग हो इवनिंग हो टाइम हो ईयर हो कुछ भी हो उससे पहले हम लोग बाय लगा सकते हैं वाइल वी आर एश्योरिंग समवन और मेकिंग अ प्रॉमिस फॉर एग्ज़ाम्पल ए तूने मेरा पैसा लिया कब देगा आई शेल रिटर्न बाई मंडे नेक्स्ट मैं मंडे तक दे दूंगा तक तक मंडे तक जुलाई तक मॉर्निंग तक इवनिंग तक पाँच बजे तक फाइव एक टीचर ने स्टूडेंट को बताया कितने बजे ट्यूशन पहुँचोगे सर आई विल बी देयर बाय फाइव थर्टी आई मे बी लेट बट आई विल बी देयर बाय लेट इज बाय फाइव थर्टी तो क्या हुआ हम किसी को एश्योर कर रहे हैं किसी को टाइम बता रहे हैं कि इसके अंदर तक सीमित समय तक मैं पहुँच जाऊँगा या कर लूँगा तब जाकर बाई लगा देना सबके पहले चाहे वो कुछ भी हो लेकिन आ, फिर आता है बाई इज़ ऑल्सो यूज बिफोर द डूअर ऑफ द एक्शन इन पैसिव सेंटेंस इन पैसिव सेंटेंस वॉइस चेंज जब हम लोग करते हैं तो देखा होगा आ, बाई मी बाई हिम लोते हैं तो फॉर एग्जाम्पल दिस आंसर इज रिटन बाय मी अर्थात इसमें क्रिया क्या है लिखना ये लिखने का कार्य किसके द्वारा हुआ तो मेरे द्वारा तो बाई तब आ जाएगा पैसिव सेंटेंसेस बाई हम लोग ये डिनोट करता है इधर साइड किसी दोनों का साइड सपोज आई एम स्टैंडिंग बाईम uh, मैं उसके साथ में चाहे बाएँ साइड में और दाइने साइड में हो लेफ्ट साइड में किस में बाई बाम उसके साइड में खड़ा हूँ तो ये भी एक्सप्रेस करता है और बाई सपोर्ट या एसोसिएशन को भी एक्सप्रेस करता है जैसे हम बोलते हैं हमें दोस्तों के साथ देना चाहिए तो वी मस्ट स्टैंड बाय आवर फ्रेंड्स इसका मतलब है हमें अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नीड जब हम हमारे दोस्त कोई यू नो प्रॉब्लम में आ जाए तो वी शुड स्टैंड बाय ईच अदर हम एक दूसरे के साथ हमें देना चाहिए तो इस प्रकार के सेंटेंस में भी हम लोग स्टैंड बाय लगा सकते हैं नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ऑन ऑन कब यूज़ करेंगे हम लोग नॉर्मली ये डेट या डे से पहले हम लोग ऑन यूज़ करते हैं I was born on Saturday. मैं Saturday के दिन जन्म हुआ था और I was born on ट्वेंटी सेकंड ऑगस्ट अगर ऑगस्ट इधर आ जाए तो इन हो जाएगा इन ऑगस्ट ट्वेंटी सेकेंड क्योंकि हम मंथ को बारे में बात कर रहे हैं तो मंथ से पहले इन लगेगा डेट पहले को डेट को यहाँ पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ तो वहाँ पर डेट से पहले ऑन लगेगा तो एग्जाम कब शुरू होगा यू कैन से सर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ मीटिंग कब है ऑन ट्वेंटी फिफ्थ लेकिन एग्जाम कब से शुरू होगा क्योंकि एग्जाम इज़ नॉट ए प्रोसेस ऑफ वन डे इट विल गो ऑन तो यू कैन से फ्रॉम ट्वेंटी सेकेंड तो तब फ्रॉम लग जाएगा नाउ आगे समझते हैं ऑन कहाँ पर यूज होता है इज ऑल्सो यूज टू शो समथिंग और सम वन ऑन द सर्फेस ऊपरी भाग में अगर कुछ है सतह पर अगर कुछ है सरफेस में अगर कुछ है फॉर एग्जाम्पल मेरी किताबें टेबल में पड़ी है तो माई बुक्स आर ऑन द टेबल तो ये बड़ा आसान सेंटेंस है ऑन द टेबल ऊपर का सरफेस है आई एम सिटिंग ऑन द चेयर लेकिन ऑफ़न हमने देखा है कभी कभी इसी सेंटेंस को आई एम सिटिंग डैश द अगर टेबल कर दिया जाए तो थोड़े से बच्चे भटक जाते हैं क्या करें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं करना क्या है वेरी सिंपल अगर हमारे नीचे के हिस्से की किसी चीज़ के बारे में बात करें जिसके ऊपर हम बैठते हैं तो लगा देना ऑन अगर सामने के हिसाब ऑन मतलब ऊपर सतह पर क्या हम टेबल के और डेस्क के ऊपर बैठते हैं नो no. तो हम किसी कार्य पर हैं अगर वी 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 एक्सप्रेस दैट वी आर यूजिंग द वर्ड टेबल और द डेस्क दैट मीन्स वी आर एट वॉक तो हम यूज करेंगे एट द टेबल मैं टेबल में हूँ या टेबल के ऊपर नहीं बैठा हूँ। तो भाई कोई स्टूडेंट ऐसा ही होगा अगर डेस्क के ऊपर बैठे हैं तो स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन द डेस्क बताओ मास्टर ऐसा तबला बजाएगा फिर तो नीचे गिर जाओगे फिर तो वी डोंट सिट ऑन द डेस्क वी सिट एट द डेस्क इसका मतलब है मैं पढ़ाई में हूँ किसी काम में हूँ अगर कोई दोस्तों तो ने फोन किया व्हाट आर यू डूइंग यू कैन रिप्लाई लाइक सॉरी oh, यार आई कान गो नाउ बिकॉज आई एम एट द टेबल नाउ स्टडी टेबल स्टडी टेबल मैं टेबल में हूं मींस मैं कोई कार्य में हूं आई के नॉट गो नाउ तो इस प्रकार का हम बहुत सारे यूज करके इंग्लिश को हम सिंपल प्रिपोजिशन से सिंपल सेंटेंसेस से अपने सेंटेंस को हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर सकते हैं लेरस मूव फॉरवर्ड नाउ मूविंग फॉरवर्ड देखते हैं अभी सिंस सिंस हम कहा लगाएंगे इट इज यूज फॉर द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम याद आया एट भी लगाते हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम में लेकिन वो सिंपल सेंटेंसेस में है किसी भी हालत में किसी भी सेंटेंस में लेकिन जब वो सेंटेंस परफेक्ट या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा तब तो हम लगाएंगे सिंस एंड फोर फोर भी लगाएंगे एक ही चीज़ है दोनों में लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है ये लगेगा एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम से और ये लग जाएगा हमारा ग्रुप ऑफ टाइम ग्रुप ऑफ टाइम Uh, यानी कोई समय के अगर मैं बोलूं टू मंथ्स फोर मंथ्स सिक्स मंथ्स तो क्या हो गया एक ग्रुप ऑफ टाइम में बता रहा हूं फॉर एग्जांपल आई हैव बीन लिविंग में सिल्चर में रह रहा हूं इन सिल्चर से सिंस 2016 तो मैंने सिंस के बाद क्या देखा एक निर्धारित समय सीमा समय देकर रखा हुआ है अगर सिंस मॉर्निंग सिंस जनवरी सिंस मंडे सिंस जो भी है डेट कुछ भी हुआ तो एक एग्जैक्ट टाइम हो गया सिंस फाइव ओ क्लॉक सिंस सेवन ओ तो ये हो गया सिंस लगा देंगे लेकिन जैसे हमारा सेंटेंस बदल जाएगा इसी का आई हैव बीन लिविंग इन सिल्चर फॉर फाइव ईयर्स जैसे मैंने फाइव ईयर्स कर दिया ये ग्रुप ऑफ टाइम है बहुत सारे जगह पर मैंने देखा लोग क्या करते हैं इन सर्विस फॉर ट्वेंटी टू ईयर्स नहीं सिंस ट्वेंटी टू ईयर्स नो एक्जैक्टली रॉन्ग एक्जैक्टली एब्सोल्यूटली रॉन्ग अगर ट्वेंटी टू ईयर्स है या ट्वेंटी ईयर्स हैं फिफ्टीन ईयर्स हैं फाइव ईयर्स है ये ग्रुप ऑफ टाइम है जब हम एक पेर और ग्रुप ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे हम फोर के यूज करेंगे बट इन परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में uh, मैंने परफेक्ट क्यों कहा लेकिन बहुत सारे सेंटेंस में करेक्ट टेंस में जैसे आई से वी हैव बीन फ्रेंस since uh, since our childhood childhood बचपन से तो since our childhood exact time मैंने बता के दिया है uh, उस childhood से बचपन से जब मैं एक समय सीमा को direct में indicate करूँ अगर इसी जगह पर we have been friends for से ट्वेंटी ईयर्स तो ये हो गया ग्रुप ऑफ टाइम टू वीक्स फाइव ईयर्स टू आवर्स ग्रुप ऑफ टाइम तो हम फोर लगाएंगे ये है परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट हैव हैवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे बिन प्रिंसिपल वर्ब का, का काम कर रहा है क्योंकि अदर प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पर नहीं है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंसेस में हम सिंस और फोर लगाएंगे सिंस और फोर लगाएंगे सिंस लगाएंगे जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम होगा सिंस सिक्स ओ क्लॉक सिंस मॉर्निंग सिंस इवनिंग सिंस ट्वेंटी सिंस फिफ्टीन सिंस जनवरी और हम फोर लगाएंगे ग्रुप ऑफ़ टाइम फॉर फाइव ईयर्स फॉर टू वीक्स फॉर टू ईयर्स फॉर टू आवर्स फाइव मिनट्स टेन मिनट्स तो जो भी हमारे पास ग्रुप ऑफ टाइम होगा तो हम लगाएंगे फोर बट याद रखना परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस पर आगे बढ़ते हैं देखते हैं ना विद वेन वी कैन यूज विद विद इज़ यूज फॉर द ऑब्जेक्ट यूज टू डू द एक्शन किसी भी वाक्य में सेंटेंस में काम क्या है फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग इसमें एक्शन क्या है राइटिंग इस एक्शन को करने के लिए कौन सी चीज का प्रयोग किया गया है पेन तो उस ऑब्जेक्ट से पहले द ऑब्जेक्ट विच इज यूज फॉर डूइंग द एक्शन देन वी विल यूज विद जैसे कि द काउ इज टाइड विद द रोप हमने रस्सी से गाय को बांध रखा है तो विद आई एम राइटिंग विद द पेन मैं कलम से लिख रहा हूँ जो हिंदी ग्रामर जो कर रहे हैं जो uh, हिंदी को जिसको ग्रामर मालूम है वो समझ जाएंगे ये करण कारक का से है मैंने कलम से लिखा लिखने के कार्य के लिए जिस साधन का प्रयोग किया वो है कलम तो उसको कहेंगे सिंपल करण कारक का जो से हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं उसके साथ हम चलेंगे वेरी वेरी सिंपल वी सी विद आईज वी 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 वीट विद आउथ ईटिंग के लिए जिस पार्ट का हम यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के लिए जो जो ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे उस कार्य करने के लिए तो हम उसमें विद लगाएंगे विद ऑल्सो एक्सप्रेसिस द एसोसिएशन साथ देना साथ होना साथ में रहना को हम लोग विद यूज कर सकते हैं आई सेल गो विद यू मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा uh, कल मैं एक uh, गेस्ट के घर में गया था उन्होंने मुझे चाय के साथ बिस्किट भी दी तो ही ही सर्व मी विद टी एंड बिस्किट सो विद टी एंड बिस्किट सो विद बिस्किट ही सर्व मी टी तो समथिंग लाइक दैट तो इस चीज का एसोसिएशन या साथ है आई एम विद यू डोंट वरी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो इसका भी हम समझाते हैं जैसे आई सेल स्टैंड बायू मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा आई सेल स्टैंड बाय यू आई सेल बी विद यू मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो ये अलग अलग चीज़ें हैं बट no, मीनिंग वही है विद मतलब एसोसिएशन कह सकते हैं हम लोग नाउ एक बड़ा कन्फ्यूजिंग वाला प्रिपोजिशन टू बहुत रेयर केसेस में देखा जाता है इसका एक्सप्लेनेशन uh, है हम कोशिश करेंगे इसको समझने के लिए टू कब यूज़ करते हैं इट इज़ यूज बिफोर द पर्सन और प्लेस किसी भी व्यक्ति और स्थान से पहले हम टू लगाएंगे कब वेन द इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट यानी इसको समझना थोड़ा सा अलग है कैसे समझेंगे हम लोग फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू से मार्केट तो यहाँ पर एक टू है इसको समझते हैं फिर आई एम टॉकिंग टू यू अगर दोनों सेंटेंस में देखा जाए इसमें क्रिया क्या है जाना इसमें क्या है बात करना तो ये जो जाने का क्रिया है कर रहा है ये और इसका इम्पैक्ट यानी फल जो है कॉन्सिक्वेंस है वो किस पर आ रहा है टू द मार्केट द प्लेस द इम्पैक्ट फल ऑफ दिस एक्शन कंटिन्यूज टू द पर्सन द पर्सन ऑब्जेक्ट तो उससे पहले टू लगेगा आई एम टॉकिंग टू यू नॉट टॉकिंग विद यू ओके आई 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 हैव डिस्कशन विद यू दैट्स करेक्ट बट ये मत बोलना कि आई एम टॉकिंग विद यू कहना आई एम टॉकिंग टू यू आई नीड टू टॉक टू यू बिकॉज टू तो कोई एक एक एक्शन को मूवेबल एक्शन को समझाता है टू को याद रखना आई एम टॉकिंग टू यू आई नीड टू टॉक टू यू दैट मीन्स डिस्कशन होगा यानी जो एक्शन है ना जो कार्य है यहाँ पर बात करने का उसका प्रभाव आगे के व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा और इसका इंपैक्ट जो है इस पर है और जाने का प्रभाव इस पर है आई शेल गो टू डेली तो मेरा जो एक्शन ऑफ गोइंग है एक्शन ऑफ गोइंग है वो कहां पर जाकर खत्म हो रहा है डेली पर तो स्थान से पहले भी टू लगेगा सो so, इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं आगे और वीडियो बनाऊंगा रिगार्डिंग मोर प्रिपोजिशन एंड वार्बल फ्रेजेस क्योंकि कुछ प्रिपोजिशन है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं वार्बल फ्रेजेस कहेंगे जैसे कि प्रिसाइट ओवर इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं मैं इसका अलग से एक वीडियो बनाकर प्रिसाइड के साथ हम ओवर ओवर लगाएंगे हैंकर के साथ आफ्टर लगाएंगे ये मैं डिटेल्स दे दूंगा वीडियो में आई होप दिस वीडियो यू हैव लाइक एंड अंडरस्टूड इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चन प्लीज डू आस्क मी एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड इफ आई मेड एनी मिस्टेक प्लीज डू कमेंट सो देट आई कैन करेक्ट इट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इन योर टाइम हैव एन आई स्टे